गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं जो 5-6 क्लास के हैं, जो यहाँ पे पढ़ते हैं ऑफलाइन, उनका हम टेस्ट लिए हैं। देखिए, जिसमें से ये प्रिया गुप्ता है, किस क्लास में हो? 6 में है और 50 में 50 नंबर आया हुआ है। जो इसमें सवाल है उस टाइप का, हम देखिए इससे फार्मूला पूछते हैं कि कैसे ये जो है मैथ में 50 में 50 नंबर लाई है। तो बताओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, 18 के स्क्वायर 324, 15 के स्क्वायर 225, 225। आयत के क्षेत्रफल बताओ, एल गुणे बी, बर के क्षेत्रफल बराबर भुज स्क्वायर, बर के परिमाप बराबर 4 × 1 भुजा, आयत के परिमाप बराबर 2 × 12 प्लस बी, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई के मान बताओ, पाई का मान क्या लिखते हैं, 22/7। ठीक है, जाओ। तो देखिए किस तरह से जो है फार्मूला याद की है और स्क्वायर की हो, जिसे 50 में 50 नंबर लेकर आई है। अब है रेखा कुमारी, रेखा कुमारी जो कि क्लास है 6 में है और 50 में 50 नंबर आया हुआ है। बताओ ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। ठीक है, ये याद है, नहीं कि भुला गए हो। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, आयत के क्षेत्रफल बराबर, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, बर के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, हाँ 14 का स्क्वायर बताओ 196, 12 का स्क्वायर बताओ 184, 144 होता है। ठीक है, जाओ। इसके बाद है न्यासा सिंह, क्लास 3 में है, 50 में 49 नंबर आया हुआ है। और इधर आ जाओ, मोबाइल की तरफ देखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। उसके बाद बताओ वृत्त के क्षेत्रफल बराबर, नहीं बर के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, आयत के क्षेत्रफल एल गुणे बी, आयत के परिमाप बराबर 2 × 12 प्लस बी। देखिए 3 क्लास की बच्ची है ये। अब बताओ 18 के स्क्वायर 324, 12 के स्क्वायर 144, 5 के क्यूब 125। देखिए कहा जाता है कि बच्चों को जो है आप जो चीज़ सिखाएंगे वो चीज़ सीखने लगेंगे, तो बच्चे मैथ में तभी तेज होंगे जब आप उसको स्क्वायर क्यूब बटा पर के जोड़ घटाओ गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ सब कुछ उसको जो है सिखाएंगे, यानी कि बेस मजबूत करेंगे, तभी बच्चे तेज होंगे। देखिए 3 क्लास की है और स्क्वायर क्यूब याद है, बर के क्षेत्रफल याद है, आयत के क्षेत्रफल याद है और ए प्लस बी के होल स्क्वायर याद है, तब ना जाकर तेज हो रहा है कोई। ठीक है, जाओ तुम। अब इसके बाद है शिखा कुमारी, शिखा का 50 में 50 नंबर आया हुआ है। हाँ क्लास बताओ तुम, अपना क्लास बताओ, सीधे खड़ा हो जाओ इधर। किस क्लास में हो? 3 क्लास में है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, आयत के क्षेत्रफल बताओ एल गुणे बी, आयत के परिमाप बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, नहीं 2 × l + b होता है। ठीक है, बर के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बताओ 324, 12 का स्क्वायर बताओ 144, 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225। देखिए स्क्वायर क्यों याद है, उसके बाद आपको जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर याद है और आयत के क्षेत्रफल भी याद है। इस तरह से बच्चे अगर 3-4 क्लास के अगर पढ़ते हैं तो सोचिए आगे जाकर क्या करेंगे। ठीक है, जाओ। अब कौन है जी?
सालू कुमारी क्लास 7 है, ठीक है। 50 में 50 नंबर आया हुआ है। बताओ ए प्लस बी के होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आयत के क्षेत्रफल बराबर, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत के परिमाप बराबर, टू पाई आर, टू एस, टू इंटू एल प्लस बी होता है, गलत कर रहे हो। बर का क्षेत्रफल बराबर, बर का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बताओ, 144। 15 का स्क्वायर, 225। 16 का स्क्वायर, 296। सर 16 के क्यों, 16 का स्क्वायर 256। हाँ ठीक है, जाओ। इसके बाद है अस्मित कुमार, अस्मित कुमार इधर आओ, इधर आओ, पीछे से आओ, आओ तो यहाँ पे। अस्मित कुमार किस क्लास में हो? टू क्लास में है। बताओ 18 के स्क्वायर, 324। 12 के स्क्वायर, 144। 13 के स्क्वायर, 169। हाँ ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के परिधि बराबर, 2πr। बर के क्षेत्रफल बराबर, भुजा स्क्वायर। बर के परिमाप बराबर, 4 × 1 भुजा। हाँ ठीक है। देखिए किस तरह से ये बच्चा जो है आपको बताया फार्मूला जो है, और स्क्वायर क्यूब भी इसको जो है याद है। चलो जी आओ, तुम जो आओ, नीरज कुमार। हाँ किस क्लास में हो? टू क्लास का ये बच्चा है। बताओ 12 का स्क्वायर, 144। 13 का स्क्वायर, 169। 14 का स्क्वायर, 196। 15 का स्क्वायर, 225। 16 का स्क्वायर, 256। 5 के क्यू, 125। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। हाँ बर के क्षेत्रफल बराबर, भुजा स्क्वायर। बर के परिमाप बराबर, 4 × 1 भुजा। आयत के क्षेत्रफल बराबर, एल गुणे बी। ठीक है, जाओ। तो देखिए किस तरह से बच्चे 2 और 3 क्लास के बच्चे जो है याद किए हुए हैं, ठीक है। अब है गरिमा कुमारी, गरिमा कुमारी जिसका 50 में 50 नंबर जो है आया हुआ है। किस क्लास में हो? 3 क्लास की है ये। बताओ ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 18 का स्क्वायर बताओ, 324। आयत के क्षेत्रफल बराबर, आयत के क्षेत्रफल बराबर एल गुणे बी। आयत के परिमाप बराबर, 2 × 12 + b। देखिए कैसे बच्चों को जो है फार्मूला याद है, याद कराने से याद होता है, ठीक है। जाओ चलो जी तुम आओ, लवली कुमारी। हाँ किस क्लास में हो? 3 क्लास की है। बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस नहीं याद किए हो तुम, याद नहीं किए हो। बताओ 18 का स्क्वायर, 324। 12 का स्क्वायर, 144। 5 के क्यूब, 125। ठीक है, जाओ। चलो सौरभ कुमार, सौरभ कुमार जिसका 50 में 50 नंबर आया हुआ है। चलो आओ जी सौरभ कुमार। हाँ 50 से 50 नंबर तुम्हारा आया हुआ है। बताओ किस क्लास में हो? 3 क्लास में है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 18 का स्क्वायर बताओ, 324। 12 का स्क्वायर, 144। 17 का स्क्वायर, 289। 20 का स्क्वायर, 400। आयत के क्षेत्रफल बराबर, लंबाई गुणा चौड़ाई। बर के क्षेत्रफल बराबर, भुजा।
तो देखिए ये थ्री क्लास का बच्चा है, किस तरह से जो है इसको याद है। चलो अब है कौन, संजना कुमारी। संजना कुमारी जो कि क्लास टू में है और 50 में 50 नंबर इसका आया हुआ है। बताओ ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है। 18 का स्क्वायर 324। 12 का स्क्वायर 144। ठीक है जाओ। तो देखिए ये बच्चे 3, 4, 5 क्लास के हैं और कैसे जो है याद किए हैं और कैसे आकर सामने हैं जो है बोल पा रहे हैं और बता पा रहे हैं, सामने इंटरव्यू के जैसे कैसे जो है दे पा रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बच्चे जो है यदि मैथ जो है मैथ में अगर तेज बनाना है बच्चा को, तो सबसे पहले जो है फार्मूला का एक कॉपी बनाइए आप लोग, और जो है उस कॉपी को सुबह शाम आपको जो है देखना होगा, जो कि यहाँ के बच्चे करते हैं। ऑफलाइन जो है बच्चे हम जो पढ़ाते हैं वो सभी इस तरह से करते हैं। हाँ चलो बताओ जी, किस क्लास में हो? 4 क्लास का ये बच्चा है। 12 का स्क्वायर बताओ। 12 का स्क्वायर 140। अच्छा। 13 का स्क्वायर बताओ। 136। 11 का स्क्वायर बताओ। 121। 15 का स्क्वायर बताओ। 125। तो इस तरह से जो है इस बच्चा को स्क्वायर देखिए कैसे याद है। ठीक है जाओ। यदि आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को तेज बनाना, तो उसको जो है एक फार्मूला का कॉपी बनवाइए, नोट्स बनवाइए फार्मूला का, और उसको याद करवाइए बारी बारी से। चलो आओ जी, छोटू कुमार क्लास टू में है ये। हाँ बताओ जी, क्लास अपना टू क्लास का है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी। माइनस टू ए बी। आयत के क्षेत्रफल बराबर। एल गुणे बी। आयत के परिमाप बराबर। टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर। भुजा स्क्वायर। वर्ग के परिमाप बराबर। 4 × 1 भुजा। ठीक है जाओ। देखिए किस तरह से बच्चे जो है एक्सपर्ट हैं फार्मूला याद करने में, क्योंकि इनको एक कॉपी बनाया गया है और उस कॉपी में ये बार बार जो है देखते हैं सुबह शाम। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी चाहते हैं तेज होना, तो आप एक फार्मूला के कॉपी बनाइए और उस फार्मूले कॉपी को सुबह शाम जो है आप देखिए, तभी जाकर आप तेज बन पाएंगे। थैंक यू।